हिमाचल टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास एंटरटेनमेंट जोन में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने छोटे शहर से निकलकर माया नगरी मुंबई में आकर अपने सपने को पूरा किया है। इन स्टार्स ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो आज हम आपको हिमाचल के उन कलाकारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बॉलीवुड में अपने टैलेंट के दम पर एक खास मुकाम हासिल किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर का जन्म शिमला में हुआ था। इनके पिता पुष्कर नाथ एक कश्मीरी पंडित थे। वे पेशेवर से क्लर्क थे। अनुपम ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1982 में आगमन नामक फिल्म से की थी, लेकिन 1984 में आई सारांश उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाती है। इन्होंने स्पेशल 26 द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वेडनेसडे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, हम जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। अब बात करते हैं लाखों दिलों की धड़कन डिंपल गर्ल यानी कि प्रीति जिंटा की। प्रीति जिंटा हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मी एक्ट्रेस हिंदी, तेलुगु, पंजाबी व अंग्रेजी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शुरुआत में प्रीति जिंटा ने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई। फिल्म दिल से में प्रीति जिंटा सहायक अभिनेत्री के तौर पर नजर आई थी। उनकी बतौर मुख्य नायिका फिल्म सोल्जर थी। अब बात करते हैं हिमाचल की शेरनी कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने बॉलीवुड में लंबे संघर्ष के बाद कामयाबी हासिल की। हिमाचल के भामला में जन्मी कंगना के करियर की शुरुआत मॉडलिंग और थिएटर से हुई थी। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म गैंगस्टर से हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने वो लम्हे लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन और क्वीन जैसी फिल्मों में जबरदस्त अदाकारी की है। WWE के रिंग में दुनिया भर के ताकतवर पहलवानों को धूल चटा चुके रेसलर द ग्रेट खली भी हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, द ग्रेट खली उर्फ दिलीप राणा एक पेशेवर पहलवान और अभिनेता है। वो कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। वे बिग बॉस के चौथे संस्करण में प्रतिभागी भी बने थे। अब बात करते हैं हिमाचल की ब्यूटी क्वीन यानी कि यामी गौतम की। यामी गौतम भी हिमाचल की रहने वाली हैं और उन्हें अपने पहाड़ वाले घर से बेहद प्यार है। यहां तक कि शहर की चकाचौंध से दूर यामी ने शादी भी अपने पैतृक आवास में करीबी लोगों के बीच ही की थी। यामी भी समय मिलते घर की ओर निकल पड़ती हैं। तो वहीं बॉलीवुड में यामी गौतम ने अपने टैलेंट के दम पर एक खास जगह बना ली है।